देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस दिया मतलब हमें पे करना है, खर्चा है, हमने खर्चा किया है। देखिए इसमें दिया आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमें किसी को सैलरी देनी थी या रेंट देनी थी कुछ मंथ की, सपोज 2-3 मंथ्स की, और हमने उसको दी नहीं है, तो वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग एक तरीके से हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हो जाती है, क्योंकि हमें सामने वाले को देना था, हमने उससे काम करवा लिया है, उसका पैसा नहीं दिया हुआ है, और ये एक हमारा खर्चा है, तो हमारे कैपिटल में से माइनस होगा। फिर दूसरा दिया हुआ है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होना है हमने पहले से ही एडवांस दे दिया है, मतलब आगे आने वाले महीनों का भी हमने 2 या 3 मंथ्स का हमने सैलरी उसे दे दी है। तो देखिए जब प्रीपेड होता है तो क्या होता है, हमने इसको दे दिया, तो एक तरीके से हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। और उस चीज का भी हमने बेनिफिट नहीं लिया हुआ है, तो हमारी वो एक तरीके से ऐसा, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, रेंट किसी रूम का या कोई बिल्डिंग का आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो एक तरीके से आपके पास तो कैश चला गया, और वो रूम जब तक आपने उसका 2-3 महीने का रेंट दे दिया है तो आप वहाँ पे आराम से रह सकते हो, एक तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, एसेट्स बन जाएगी, आपके एसेट्स में आ जाएगा, मतलब आपको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। आपने उस चीज़ का बेनिफिट अभी लिया नहीं है, लेकिन उसको आपने पहले से ही पेमेंट कर दी है, तो वो आपके एसेट्स के अंदर आती है। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसमें हमें बोल रहा है पहला स्टेटमेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश को ट्रांजेक्शन में लिखेंगे, बिजनेस हम स्टार्ट करें कैश से, तो हमारी एसेट्स में क्या होगी, कैश इंक्रीज होगी। और कौन लेके आ रहा है, मालिक लेके आ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कितनी कैश इंक्रीज हो रही है, 80,000। और कैपिटल भी हमारी इंक्रीज होगी 80,000 से, पहला ट्रांजेक्शन। सेकंड बोल रहा है सेकंड ट्रांजेक्शन रेंट रिसीव, रेंट हमें मिल रहा है किसी चीज का, तो रेंट हमें किस तौर पे मिलता है, पैसे के तौर पे, कैश के तौर पे मिलेगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, पेड का मतलब होता है देना, रिसीव का मतलब होता है मिलना, तो रिसीव हो रहा है क्या, रिसीव हो रहा है कैश, तो कैश में हम क्या करेंगे, 1,000 इंक्रीज करेंगे, और इस तरीके से हमारी क्या होगी, इनकम भी इंक्रीज होगी, कैपिटल भी इंक्रीज होगा, तो हमारे कैपिटल में इंक्रीज होगा। फिर हम लाइन खींचेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे न्यू इक्वेशन। देखिए अब हमारी कैश कितनी हो गई, 81,000, हमारी लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, और हमारा कैपिटल भी कितना हो गया, 81,000। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके का इक्वेशन बैलेंस चल रही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम करवाते हैं, हमारा खर्चा होता है, तो हमने उस चीज को पहले से ही दे दिया, प्रीपेड मतलब एडवांस में ही पेमेंट कर दी है। ट्रांजेक्शन में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने पहले से ही उसको दे दिया है उस चीज का पैसा, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश कम होगा, कितना रुपए, 1,200 रुपए, और वो हमारी क्या हो जाएगी, एसेट्स में आएगी, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, और हमारी कैपिटल और लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एक एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, एक एसेट्स डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1200, यहाँ पे डैश, और यहाँ पे 81,000। तो ये आपका आ जाएगा, जब हम 81 में से 12 माइनस करेंगे, 79,800, और ये आपकी न्यू इक्वेशन होगी। फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे, फोर्थ क्या बोला है, सैलरी पेड, हमने सैलरी पे कर दी है, पेड सैलरी या सैलरी पेड आप लिख सकते हैं। सैलरी हम सामने वाले को किस तौर पे देते हैं, कैश में ही देंगे, तो हमारा कैश कम हो रहा है, और हमारी कैपिटल भी क्या होगी, कम होगी, कितने से, 1500 से। इस क्वेश्चन में हमारे लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं था, तो लाइबिलिटीज़ का कॉलम ब्लैंक ही रहेगा,
देखिए आप जब 7980 में से 1500 माइनस करेंगे तो आपका कैश कॉलम आएगा 7800, यानी लोकेशन मेंशन कर दीजिएगा, और आपका प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम में आएगा 1200, और 81000 में से 1500 माइनस करेंगे तो आपकी कैपिटल आएगी 7950। आपको अगर नीचे सेपरेटली मेंशन भी करना हो तो आप कर सकते हैं कैश इज इक्वल टू 7800, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 1200, कैपिटल इज इक्वल टू 7950। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 11। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। देखिए पहला ट्रांजेक्शन बोला है कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। देखिए हमें दे रखा है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, तो कैश हमारी कहाँ पे आती है, एसेट साइड में आती है। कितना रुपए कैश आ रहा है, 50,000 रुपीज। कौन लेके आता है जब बिजनेस स्टार्ट होता है, मालिक लेके आता है कैपिटल, तो हम कैपिटल में लिखेंगे 50,000 रुपीज। आपका इस तरीके से लिखाएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एसेट्स के अंदर कैश कॉलम बनेगा 50,000 और कैपिटल में 50,000 रुपीज। नेक्स्ट आपको बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हम क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं कैश दे के, तो क्या होगा, हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश कम होगा। ये कहाँ पे आता है, एसेट साइड में आता है। देखिए हम एसेट साइड ऐसे लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, और एसेट्स में एक और कॉलम बनाएंगे स्टॉक का, यहाँ पे लिखेंगे 20,000 रुपीज। देखिए हमारे पास से सामान आ रहा है 20,000 का, गुड्स आ रहे हैं, लेकिन क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश में से क्या करेंगे, 20,000 को हम माइनस कर देंगे। एक एसेट्स इंक्रीज हो रही है और एक एसेट्स डिक्रीज हो रही है। फिर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन 50 माइनस 20, तो यह आएगा 30,000। स्टॉक आपका आएगा 20,000 रुपीज और आपकी कैपिटल आएगी 50,000। देखिए आपकी इक्वेशन अभी बैलेंस ही चल रही है, दोनों साइड का 50-50 है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोला है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, लेकिन हम कैसे खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने का सामान खरीद रहे हैं, 30 का, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा 30 का, प्लस उसी के साथ हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, 30,000 के। फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, कैश हमारी आएगी 30,000 की, स्टॉक हमारा 50,000 हो जाएगा, हमारी लाइबिलिटीज 30,000 प्लस हमारी कैपिटल हो जाएगी 50,000। देखिए दोनों अभी साइड बैलेंस ही है, यहाँ पे भी 30 प्लस 50 मीन्स 80,000 दोनों साइड है। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 30,000 40,000, मतलब हमें बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ी है, 30,000 की, और हम उसको जब बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 40,000 में। देखिए हम यहाँ सामान बेच रहे हैं तो हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इसके बदले में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो एक एसेट्स जा रही है, एक एसेट्स आ रही है। लेकिन देखिए सामान कितने का था, 30 का था, तो हम उसको बेच कितने में रहे, 40, मतलब 10,000 का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान कितना, स्टॉक कितने का जा रहा है हमारे पास से, 30,000 का, कैश कितने का आ रहा है, 40,000, तो कैश में 40 ऐड कर देंगे, 40 माइनस 30 10,000, हमें 10,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कहाँ जुड़ती है, हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगी ये। फिर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, थर्टी प्लस 40 70,000, 50 में से 30 गया 20,000, तो इस साइड का आपका 90 हो गया, इस साइड आपका लाइबिलिटीज सेटल्स होता जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 60,000। मीन्स देखिए दोनों साइड 90-90 सही जा रहा है बाकी अकाउंटिंग इक्वेशन। फिफ्थ देखिए पेड रेंट, रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, कैश में देते हैं, और ये हमारा खर्चा है, पेड दिया हुआ है, ये आप लिखेंगे फिफ्थ में पेड रेंट
कैश में देते हैं, कितना दे रहे हैं 500, तो कैश हमारी कम हो जाएगी और ये हमारा खर्चा है तो ये हमारी कैपिटल को भी कम करेगा, पूंजी को कम करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन, तो ये आपका आ जाएगा 69,500 कैश एज इट इज, लाइबिलिटीज एज इट इज 30,000। अब इसमें से भी जाएगा तो ये आपका आएगा 59,500। देखिए दोनों साइड को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 89,500, इधर भी 89,500, सही जा रहे हैं हम। क्वेश्चन सिक्स नंबर देखते हैं, सिक्स में थोड़े चेंजेस हैं, जो मेन हमें क्वेश्चन बताने का रीजन था, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब हमें रेंट देना था और हमने उस चीज का रेंट अभी तक दिया नहीं है, तो वो क्या होगी हमारे ऊपर लाइबिलिटीज होगी। तो लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग, और वो क्या है हमारा एक तरीके से खर्चा भी है। तो देखिए हम लाइबिलिटीज में यहाँ पे बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम। देखिए हमें रेंट देना था, हमें दिया नहीं है, कितना रेंट देना था 100 रुपीज़ देना था, तो हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे 100 रुपीज़, और ये हमारे तरीके से खर्चा है तो हमारी कैपिटल को क्या करेगा कम करेगा, तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी और लाइबिलिटीज हमारी 100 से इंक्रीज हो जाएगी। फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, कैश हमारा एज इट इज होता जाएगा, हमारी स्टॉक भी, क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के रहेंगे प्लस 100 रुपीज़ हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हो जाएगी, और इधर पे हमारी कैपिटल हो जाएगी 594। यहाँ पे एक चीज इंक्रीज हो रही है, एक चीज कम हो रही है। चलिए अब सेवेंथ नंबर देखते हैं, सेवन नंबर बोला है परचेज प्लांट ऑन क्रेडिट। देखिए अब हम क्या खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, और वो भी कैसे उधार में। प्लांट क्या होती है हमारी एसेट्स होती है, तो एक एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है और उसी के साथ साथ हम उसको उधार में खरीदे हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम यहाँ एसेट्स में एक कॉलम बनाएंगे प्लांट का, कितने का खरीद रहे हैं प्लांट 5,000 का, तो हम यहाँ शो करेंगे 5,000, और हमारी लाइबिलिटीज मीन्स क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 5,000 से, तो हम क्रेडिटर्स में लाइबिलिटीज साइड में 5,000 इंक्रीज कर देंगे। फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, कैश एज इट इज, स्टॉक एज इट इज उतर जाएगा, प्लांट हमारा यहाँ पे नया आ गया, हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई 35,000, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग और कैपिटल एज इट इज। फिर एट पॉइंट में आते हैं, एट पॉइंट बोल रहा है परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए यहाँ पे अब हम टाइपराइटर खरीदे हैं, वो भी कैसे पर्सनल यूज के लिए। तो जब हम पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। देखिए हम टाइपराइटर खरीद रहे हैं, तो टाइपराइटर जब खरीदेंगे पर्सनल यूज के लिए तो हमारी ये क्या होती है, ड्राइंग होती है। ड्राइंग में क्या होता है, कैपिटल हमारी कम हो जाती है, और टाइपराइटर खरीदे हैं तो उसके बदले में क्या देंगे, पैसा देंगे, कैश देंगे, तो कैश भी क्या हो रही है हमारी कम हो रही है। कितने का टाइपराइटर है 5,000 का, तो 5,000 से हमारी कैश कम हो जाएगी और ये हमारी ड्राइंग होती है तो हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे आपने नया एसेट्स में कॉलम बना के टाइपराइटर क्यों नहीं लिखा, तो उसके बदले में देखिए ना हम कैश दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो हमारी कैश कम हो रही है और वो हमारा क्या है, ड्राइंग है, तो हमारी कैपिटल कम होगी। मतलब पर्सनल यूज के लिए, अगर ऑफिस यूज के लिए होता, अगर ऑफिस वर्ड दिया होता या मानो दिया होता कि हम टाइपराइटर खरीद रहे हैं तो उसको हम दिखाते एसेट्स में टाइपराइटर और कैश में से कैश माइनस कर देते। ये आपका आ जाएगा कैश 64,500, स्टॉक एज इट इज, प्लांट लाइबिलिटीज 35,000, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग, और आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5,446। आया यहाँ तक सबको समझ में। फिर आप नाइन्थ पॉइंट देखते हैं, नाइन्थ बोला है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश।
बिल्डिंग खरीदी जा रही है कैश देके, तो बिल्डिंग क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है, कितने की खरीदी जा रही है। तो हम यहाँ पे एक बनाएंगे बिल्डिंग का एक कॉलम, कितने की खरीद रहे हैं 20,000 की, तो 20,000 हमारा कैश जाएगा और बिल्डिंग एक हेड और बढ़ जाएगा इसके अंदर, कॉलम एक और बढ़ जाएगा इससे इसके अंदर 20,000 का। लिखेंगे न्यू इक्वेशन, तो आपकी कैश हो जाएगी 44,500, आपका स्टॉक हो जाएगा 20,000, 5,000 आपके प्लांट्स हो जाएंगे, बिल्डिंग आपकी 20,000 की हो जाएगी, लाइबिलिटीज आपकी 35,500 हो जाएगा, और आपके आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़, और आपकी कैपिटल हो जाएगी 54,400। जब आप इधर दोनों साइड का टोटल करेंगे तो इक्वल आएगा। और बैलेंस शीट आपकी होमवर्क है, मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, तो आप बैलेंस शीट इसकी बना लीजिएगा।